मैं गिर गया गए गुजरी पर्सनालिटी को बहुत हल्के में मत लेना, इसको वजनदार बनाने की जिम्मेदारी आप सबके कंधे पर है। अब देखिए मैं एक कप नहीं हाँता, अभी मोहब्बत का शायर पढ़ने लगेगा, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर साला जुल्फ नहीं नगर पालिका का गोदाम हो गया है। अच्छा है भाई साहब, देखो पहले चालू हो जाओ बिना कुछ कहे, अरे जरा सा लगाने दे यार। अच्छा चलिए, बच्चों का ये हुक्म है कि शुरू हो जाओ। यहाँ डैश पर करम शर्मा मिशन गोपालपुरी, मैं उनको सलाम ठोकता हूँ। यहाँ हमारे जौहर कानपुरी हैं और जिनको मैं नहीं जानता सबको एक तरफ से सलाम। और देखिए मैं ओरिजिनल पोएट, कोई मैं बनावटी नहीं की आ जाए, मैंने रावण पिंडी में झंडा गाड़ देखे काहे गाड़ते, यहाँ जगह कम है क्या, तो काम यहाँ नहीं कर पाएंगे सीधे झगड़े से जाओ। आप लोग मूड बनाइए, मैं आपको ओरिजिनल पोएट्री चार मिसरे, अगर चार मिसरे में पूरी महफिल का मुझे हौसला नहीं मिला तो मैं पांचवी लाइन पढ़ने की कसम खा के नहीं आया हूँ। ये देखिए मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूँ। प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दे। ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना, और जिसको बात बुरी लगे वो महसिल से हट जाए। जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, क्या बात है, जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, अपराधी माफिया है जो मंत्री बने, अपराधी माफिया है जो मंत्री बने, जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी वो अपने देश में प्रधानमंत्री। और पढ़े की रहने दे, लपेटे रहा हमारे पिछली सरकार थी उसमें एक चर्चा थी, एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिया अभी तुम राजनीति में बच्चा, इतना सुनते बच्चवा पढ़ के खड़ा हो गया। भाई साहब चर्चा को हारी मानना चार मानना पड़ा, चार लाइन ये भी बर्दाश्त करें कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वो
बोलते हैं। देखिए भाई साहब, हम इस प्रदेश के रहने वाले हैं जहाँ पर 88 और 90 बरस के बुजुर्ग पॉलिटिशियन ने वो कांड किया। भगवान करे करने पहले खत्म क्यों नहीं हो गए, बहुत बार भी क्यों खत्म हुए। प्रेरणा पुरुष है इसलिए प्रेरणा दीजिए, हम भी ले आप भी ले। देखिए ओरिजिनल पोएट्री का तीसरा लेसन कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी, 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी, 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण का तिवारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण का तिवारी। शादी की चिंता, शादी की चिंता न चिंता शमशान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। हाँ मिला दे। और थोड़ा पूरब की ओर चले भाई साहब, ये धरती का 8वां आश्चर्य की एक मुख्यमंत्री जेल जाने के पहले अपने अंगूठा टेप पत्नी को मुख्यमंत्री बनाता है, जो 3 महीना तक राबड़ी देवी सीखने में गुजार देती है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता, मगर इस समय दो के दोनों खाली है। तब पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली, मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली, मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली, तो चरागाह में आओ मिलकर कहिया भैंस चराए, चरागाह में आओ मिलकर कहिया भैंस चराए, गोबर पाथे दूध पिए अपना परिवार बढ़ाए, किसको फिकर है, किसको फिकर है पटना सिवान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। मगर भाई साहब, इन्हीं राबड़ी देवी का मैंने प्रचार भी किया था, और प्रचार कार के दौरान कुटीर उद्योग की पूरे देश को नई परिभाषा दी थी, कुटीर उद्योग जो छोटे स्तर पर किया जाए अंतियां बर्दाश्त करेंगे। पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो, पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो, बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो, बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो, मुक्त हो गई तो लाल सं प्रेम रोग पनपेगा, ये मुक्त हो गई तो लाल सं प्रेम रोग पनपेगा, बंद पड़ा है जो कुटीर उद्योग वो फिर चल देगा, तो लगने लगेगी, लगने लगेगी फिर से लाइन संतान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और ये आखिरी पंक्तियां, इन्हीं पंक्तियों को लिखते पढ़ते इतना सूख गया हूँ, इसलिए मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देना, और किसी को कुछ मत देना, किसी का कर्जा नहीं खाएं। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी, एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी, ये राष्ट्रीय चिंता है जो मुझे खाया जा रही है। एक प्रश्न